हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ बाय निशान झा। इस YouTube चैनल पे हम लोग वर्ग 10 के गणित सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग पहुंचे हुए हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो 10वां क्वेश्चन है, उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, यात्रा मतलब हम लोगों को जाने में, यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा समय कम लेती है। यानी कि दो गो ट्रेन जा रही है, सेम दूरी तय करेगी 132 किलोमीटर, एक एक्सप्रेस और दूसरा सवारी। सवारी गाड़ी से एक घंटा कम एक्सप्रेस को लगेगा। कब? तो मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, ट्रेन जहां जहां रुकेगा उसका कोई मतलब नहीं निकालना है, नहीं उसका हम लोग नजरअंदाज उसको करेंगे कितना समय लगा। यदि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, एक्सप्रेस का चाल जो होगा वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अगर अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, सवारी गाड़ी का चाल x किलोमीटर होगा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कह रहा है कि एक्सप्रेस का चाल 11 किलोमीटर अधिक है सवारी गाड़ी से, तो सवारी गाड़ी का x किलोमीटर है तो एक्सप्रेस का उसमें 11 जोड़ देंगे, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तय दूरी बराबर 132 किलोमीटर हम लोग पढ़े हैं, समय बराबर, समय को हम लोग इंग्लिश में टी से डिनोट करते हैं, टी बराबर होता है डी बाय एस, यानी कि डिस्टेंस बटा स्पीड, दूरी बटा चाल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो सवारी गाड़ी को लगा समय, उसको कितना लगा होगा, तो 132 किलोमीटर एक्स घंटा के स्पीड से चल रहा है तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो भागा दे दी उतना घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय 132, दोनों 132 किलोमीटर का ही दूरी करता है, बट्टा एक्स प्लस 11 घंटे। प्रश्न से 132 बट्टा एक्स यानी कि ये सवारी गाड़ी का समय है, उससे एक घंटा कम एक्सप्रेस को लगता है, तो जोड़ दिए इसमें, इससे कम लगेगा, 132 बट्टा एक्स प्लस 11 पूरे का प्लस 1। अब इस टर्म को हम लोग उठा के इस तरफ लाते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, 132 बट्टा एक्स माइनस 132 बट्टा एक्स प्लस 11 बराबर 1। अब इस दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11, एक्स गुने एक्स जोड़ 11। ठीक है, तो यहाँ x है क्या नहीं है, x प्लस 11 से इसको 132 को गुना करेंगे, माइनस है माइनस का चिन्ह दिए, यहाँ x प्लस 11 है इसमें से क्या नहीं है x, तो यहाँ x से गुना करेंगे बराबर 1। गुना किए 132 को x से, 132 x प्लस 11 को प्लस 132 से गुना किए प्लस 1452। ठीक है, माइनस 132 को x से गुना किए माइनस 132, इस x को x से गुना किए x स्क्वायर, इस x को प्लस 11 से गुना किए प्लस 11 x बट्टा में लिख दिए बराबर 1। 132x ये प्लस में है ये माइनस में कट गया, एफ सी एम कोना को नहीं, गुना करेंगे 1452 बराबर 1 गुने x स्क्वायर जोड़ 11x, 1452 बराबर 1 को एक्स स्क्वायर से गुना किए एक्स स्क्वायर, 1 को प्लस 11 एक्स से गुना किए प्लस 11x। इसको उठा के इस तरफ लेके आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब इस दोनों को गुना कीजिए, माइनस 1452 एक्स स्क्वायर होना चाहिए बीच वाले टर्म को लिखने से, और जोड़ घटाव करने पर 11x बचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, 44x और माइनस 33x को गुना करेंगे तो माइनस 1452 एक्स स्क्वायर होता है, और जब जोड़ घटाव का क्रिया करते हैं घटाव हो जाएगा तो प्लस में 11x बचेगा। इस दोनों टर्म में हम लोग एक्स स्क्वायर और प्लस 44x में से यहाँ x को कॉमन लिया, x प्लस 44 बचा, माइनस 33x माइनस 1452 में हम लोग माइनस 33x माइनस 33 को कॉमन लिए तो x प्लस 44 बराबर 0 बचा। तो इस दोनों ब्रैकेट में जो आया उसको पहले लिखा जाता है, लिख दिया x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 बराबर 0, या x प्लस 44 बराबर 0 या x माइनस 33 बराबर 0, दोनों बराबर में 0 है दोनों का। तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 44 बराबर 0 या x बराबर 0 माइनस 44, इसलिए x बराबर माइनस
44, या x माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, या x माइनस 33 बराबर 0, या x बराबर 0 प्लस 33, इसलिए x बराबर 33, अर्थात x बराबर माइनस 44 या x बराबर 33। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे और पहले से ही जानते होंगे कि किसी भी चीज, जो कोई यात्रा जिस चीज से हम लोग करते हैं, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, उसका स्पीड हमेशा धनात्मक होगा। ठीक, तो अर्थात x बराबर माइनस 44 या x बराबर 33 दोनों आया, तो मान कोई एक ही होगा। तो x बराबर माइनस 44 मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ रेलगाड़ी प्रश्न में था, इसलिए हमने रेलगाड़ी लिया। कार रहेगा, कार का भी चाल ऋणात्मक नहीं होगा। बस, यानी कि जितना यात्रा करने वाला चीज है, उसका चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर 33 मान्य होगा। था सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 33 जोड़ेगा। 33 कहाँ से आया? अगर कंफ्यूजन हो किन्हीं को, तो x का मान 33 आया हुआ है, 33 प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया हो, तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करना न भूलें, साथ ही साथ लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।